आपको एक दिन में आवाजें आनी शुरू नहीं होती पवित्र आत्मा की कि यहां चल खब्बे चल सजे चल, नो नो नो, ऐसा नहीं होता एक दिन में, 5 साल 10 साल में भी ऐसा नहीं होता कई बार। आप सबसे पहले वर्ड लेते हो और उसको फॉलो करना शुरू करते हो कि वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा, वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा। आपने सब वचनों को लिया, पूरा किया, आप चलना शुरू हुए, अभी भी प्रभु आपको ऐसा लगेगा गाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके साथ होगा। कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन फिर भी वो आपके साथ होगा। और बाइबल कहती है धर्मी के स्टेप्स ऑर्डर किए जाते हैं स्वर्ग से, आपके स्टेप्स ऑर्डर किए जाएंगे। आप डरेंगे, आप कांपेंगे, याद रखना, लेकिन उसी रास्ते पे आप जाएंगे जो परमेश्वर ने मसा किया होगा आपके लिए। इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा जब पैसे आ जाए, अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है, कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। यीशु मसीह के मुंह से निकलेगी एक वचन आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, सांस फूका हुआ, जीवन पाया हुआ वचन अगर अंदर गया तो कुछ होने वाला है। आप डेड फील नहीं करोगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में।